आप सभी भाई बहनों को मेरा सादर नमस्कार और आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे 9 मार्च से आंगनबाड़ी केंद्रों पर कौन सा अभियान शुरू होने जा रहा है और ये कितने दिनों तक चलेगा और इसका क्या उद्देश्य है। तो आइए हम वीडियो को बहुत लंबी न करते हुए शुरू करते हैं कि 9 मार्च से 23 मार्च तक कौन सा अभियान आंगनबाड़ी केंद्रों पर मनाना है। 9 मार्च से आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण पखवाड़ा मनाया जाना है। पोषण पखवाड़ा क्यों मनाया जाता है? पोषण पखवाड़ा मनाने का उद्देश्य जन सामान्य को सही पोषण के लिए जागरूक करने के साथ साथ गर्भावस्था व बच्चों को ऊपरी आहार खान पान के प्रति सजग करने एवं शिशु के जन्म के साथ पैदा होने वाले रोगों को कम करने के लिए जानकारी देना है। पोषण पखवाड़ा का मुख्य उद्देश्य 0 से 6 वर्ष के बच्चों, 11 से 45 वर्ष की महिलाओं को कुपोषण से बचाने, उन्हें स्वस्थ रखने और मजबूत बनाना ही पोषण पखवाड़ा का उद्देश्य है। आपको बता दें कि हर साल यह कार्यक्रम 15 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। इसके साथ कुपोषण मुक्त भारत का सपना साकार करने के लिए भी मनाया जाता है पोषण पखवाड़ा। आइए हम जानते हैं कि पोषण पखवाड़े में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की क्या भूमिका रहेगी और उन्हें क्या संदेश अपने क्षेत्र में देनी है कुपोषण मुक्त भारत का सपना साकार किया जा सके। तो आइए हम शुरू करते हैं कि इस माह जो पोषण अभियान चलाया जा रहा है 2024 में, उसमें हमें क्या क्या संदेश अपने सर्वे क्षेत्र में अपने लाभार्थियों को देना है। सबसे पहले हमें गर्भवती महिलाओं के लिए मोटे अनाज श्री अन्न मिलेट्स के बारे के फायदों के विषय में गर्भवती महिलाओं को पोषण पखवाड़ा में बताना है। मोटे अनाज श्री अन्न खून की कमी से बचाते हैं और हड्डियों को भी मजबूत करने में सहायक होते हैं ये श्री अन्न। तो इन्हें हमें सिखाना और बताना है कि अपने पोषण व्यवहार में श्री अन्न को जरूर अपनाएं। दूसरा संदेश है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती प्रत्येक माह वजन लंबाई ऊंचाई जरूर लें। 0 से 6 साल तक के बच्चों की प्रत्येक माह पोषण ट्रैकर पर रिपोर्टिंग करें वजन और लंबाई लेने के बाद, और चिन्हित स्वयं बच्चों को बेचे से एनडी सत्र पर जरूर ले आए। हमारी एनएम दीदी जो होती हैं उन्हें उनसे उन्हा उनका चेकअप कराएं। अगर बच्चा स्वयं गंभीर अति कुपोषित में आता है तो एनएम दीदी स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना देंगी और अपने ई कवच ऐप पर उन बच्चों को चढ़ाएंगी भी, और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग वाले स्वयं बच्चे के लिए उचित कार्रवाई करेंगे। इसके बाद आता है हमारा अगला संदेश जो हमें अपने सर्वे क्षेत्र में देना है। स्वयं बच्चों के पोषण हेतु 4 बातों का रखें ख्याल। 1 चम्मच घी या तेल आहार को ऊर्जा देने हेतु जरूर शामिल करें। जब बच्चे को खाना खिलाया जाए तो बच्चे के आहार में 1 चम्मच घी या तेल जरूर शामिल किया जाए। सप्ताह में 2 बार IFA की सिरप की खुराक बच्चे को जरूर पिलवाएं। तीसरा, दिन में 3 बार बच्चे को खाना जरूर खिलाएं। चौथा, दाल रोटी चावल के साथ इन 4 आहारों का करें समावेश। पहला, हरे पत्तीदार सब्जी। दूसरी, भूरी हुई मूंगफली या सोयाबीन बड़ी का चूर्ण। तीसरा, दूध या अंडा। और चौथा, फल। इन सब चीज़ों का स्वयं बच्चों के आहार में समावेश जरूर करें। अगला संदेश, 6 माह से छोटे बच्चों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं। 6 माह में 7 बार वृद्धि निगरानी, MCP कार्ड में वृद्धि निगरानी चार्ट भरना, पोषण ट्रैकर में वजन व लंबाई भरना, केवल स्तनपान की सलाह हमें देनी है। बच्चे को केवल स्तनपान कराना है, ऊपर से दूध पानी घुट्टी कुछ भी नहीं देना है। ये हमें बताना है अपने क्षेत्र में सभी गर्भवती धात्री महिलाओं को। अगला संदेश है 6 महीने 7 बार। जी हाँ, 6 महीने 7 बार हमें
6 माह में 7 बार गृह भ्रमण करना है 6 माह तक के बच्चों के घर। प्रथम सप्ताह, तृतीय व चतुर्थ सप्ताह में, उसके बाद 1 माह, 2 माह, 3 माह, 5 माह और 6 माह पर हमें इन बच्चों के घर गृह भ्रमण पर जाना है। बेचेसंडी सत्र पर हम बुलाएंगे, अन्नप्राशन करवाएंगे 6 महीने के बाद इन बच्चों का। जब भी हम गृह भ्रमण पर जाएं, हर भेंट पर बच्चे का वजन और लंबाई लेने के बाद पोषण ट्रैकर पर और वृद्धि निगरानी चार्ट पर इसे जरूर चढ़ाएं। पहली व दूसरी भेंट में आंगनबाड़ी व आशा द्वारा संयुक्त गृह भेंट की जानी है, आशा को साथ में लेके जाएं। उसके बाद अगला मैसेज है, गर्भावस्था में पोषण की 6 बातों पर। पहला, 5 प्रकार का आहार पूरे दिन में खाने में अपने जरूर शामिल करें और भोजन के अतिरिक्त हल्का नाश्ता लें। तीसरा, कम से कम 3 बार खाना जरूर खाएं। चौथा, प्रतिदिन IFA और कैल्शियम की गोली जरूर लें। पांचवा, हर महीने अपना वजन करवाती रहें। छठा, रात की नींद के अलावा दिन में 2 घंटे आराम जरूर करें। अगला संदेश देखते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा जन्म के समय कम वजन के बच्चों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं। जब बच्चा कम वजन का पैदा होता है उसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती क्या सेवाएं दे सकती हैं, आइए देखते हैं। कंगारू मदर केयर हेतु प्रोत्साहित करना, केवल स्तनपान की सलाह देना, गर्भवती महिला आयरन और कैल्शियम की गोली लेना बिल्कुल ना भूलें। अगला मैसेज है, चिकित्सीय जटिलता वाले स्वयं से ग्रसित बच्चों को ANMCHO द्वारा अगर बच्चे को संदर्भित किया जाता है तो बच्चे को पोषण पुनर्वास केंद्र NRC पर जरूर भेजें। बिना चिकित्सीय जटिलता वाले स्वयं से ग्रसित बच्चों को ANMCHO द्वारा प्रोटोकॉल के अनुसार 6 दवाएं दी जाती हैं, जिसका सेवन बच्चे के माता पिता को जरूर समझाएं और बताएं कि ये इन दवाओं का सेवन बच्चे को जरूर करवाएं। आपको बता दें वो 6 दवाइयाँ कौन सी हैं, आयरन सिरप, विटामिन ए, मल्टीविटामिन, एमोक्सिलिन, फोलिक एसिड और एल्बेंडाजोल। इन दवाइयों का अगर आपका बच्चा अति कुपोषित नहीं है, केवल कुपोषित है, तो उन्हें समझाएं कि इन दवाइयों का प्रयोग वो ANMCHO द्वारा जो जैसे कहा जा रहा है वैसे दें। और अगली सेवा देखते हैं क्या है, गर्भ के 4वें माह से प्रतिदिन कैल्शियम की 2 गोलियों का सेवन करने की सलाह दें। प्रसव पूर्व जांच के दौरान पोषण युक्त आहार एवं कैल्शियम गोली के सेवन हेतु परामर्श देना नितांत आवश्यक है। अगला संदेश क्या है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा छाया VSND या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर लाए गए SMM से ग्रसित बच्चों का ANMCHO द्वारा स्वास्थ्य जांच चिकित्सीय प्रबंधन करने के लिए ई कवच पर रिपोर्टिंग करवाएं। प्रत्येक माह पोषाहार वितरण के दौरान गर्भवती महिला का वजन लेते हुए वजन वृद्धि का आकलन जरूर करें। हमें प्रत्येक माह उनकी ग्रोथ मॉनिटरिंग, सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को गर्भवती महिला की ग्रोथ मॉनिटरिंग करने के लिए उनका वजन प्रत्येक माह करते रहना है। गर्भावस्था के दौरान खून की जांच व 4वें माह से आयरन की गोली का सेवन अवश्य करें। हीमोग्लोबिन 11 अधिक आयरन की 1 गोली रोजाना लें। हीमोग्लोबिन 11 से कम है आयरन की 2 गोली। गर्भावस्था के पहली तिमाही में पंजीकरण एवं प्रसव पूर्व जाँच की शुरुआत कर देनी है। प्रतिदिन फोलिक एसिड की 1 गोली गर्भवती महिला को देनी है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में गर्भवती महिला की पहचान करके उनका पंजीकरण अपने आंगनबाड़ी सेंटर पर करें। उन्हें आयरन फोलिक एसिड की गोलियां दिलवाएं और उनका वजन करें। अगला मैसेज देखते हैं, 6 माह से छोटे बच्चों को इन परिस्थितियों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। देखिए कौन सी वो परिस्थितियां हैं जिसमें हमें 6 माह से छोटे बच्चों का विशेष ध्यान देना है। जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों का और वजन वृद्धि नहीं होने या वजन कम हो जाने की स्थिति में स्वयं अल्प वजन से ग्रसित बच्चे का हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला मैसेज देखते हैं,
गर्भावस्था में एनीमिया न होने पाए गर्भवती महिलाओं को, इसलिए उन्हें इस विषय में जागरूक करना होगा। जागरूक करें और उन्हें आयरन की गोली खाने के लिए प्रेरित करें। स्वयं में बच्चों की पहचान करके उनका प्रबंधन करना है। आइए देखते हैं अगला मैसेज क्या है। गर्भावस्था में 6 बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जिसमें पहला है 5 प्रकार का भोजन पूरे दिन में जरूर लें। गर्भवती महिला कम से कम 3 बार खाना खाएं, प्रतिदिन IFA की और कैल्शियम की गोली लें, भोजन के अतिरिक्त हल्का नाश्ता करें, हर महीने अपना वजन करवाएं और रात की नींद के अलावा दिन में 2 घंटे जरूर आराम करें। एनीमिया से बचाव हेतु दैनिक खान पान में शामिल करें आयरन, विटामिन सी एवं प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ। अगली सेवा गर्भवती महिलाओं के लिए ही है एनीमिया से संबंधित। एनीमिया का मतलब शरीर में खून की कमी। हमें एनीमिया के विषय में उन्हें समझाना और बताना है कि एनीमिया क्या है। एनीमिया कहीं वो एनीमिया एनीमिया सुनते हुए एनीमिया को बहुत बड़ा रोग या हवा ना समझ लें, इसलिए उन्हें एनीमिया के विषय में अच्छे से समझाएं, वो बताएं कि एनीमिया कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, शरीर में खून की कमी को ही एनीमिया कहते हैं और जिसका इलाज बहुत ही आसानी से घर पर ही किया जा सकता है। हम उन्हें बता सकते हैं गर्भावस्था के दौरान एनीमिया से बचाव संभव है कुछ बातों का ख्याल रख के, जैसे दैनिक आहार में आयरन युक्त सब्जियों को शामिल करके, प्रोटीन युक्त विटामिन सी आयरन युक्त सब्जियों को शामिल करके, दूसरा आयरन की गोली लेके, तीसरा कृमिनाशक अल्बेंडाजोल की गोली लेकर और चौथा नियमित व्यक्तिगत साफ सफाई द्वारा हम एनीमिया को हरा सकते हैं और एनीमिया से बच सकते हैं। अगली सेवा है 11 से 19 वर्ष की लड़कियों के लिए। इन्हें आयरन की गोली खिलानी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और हमारी और आंगनबाड़ी बहनों को इसका फ़ायदा हो सके इसलिए इसे शेयर ज़रूर करिए। अपने प्यारे प्यारे सुझाव हमें कमेंट द्वारा ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। बाबा भदेवरानाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार।